गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू द पेज नंबर 124, टू डायमेंशनल शेप्स. येस्टरडे वी आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू हाउ मेनी कॉर्नर्स और हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन डिफरेंट शेप्स. लाइक इन सर्कल देर इज अ नो शेप, मीन्स नो कॉर्नर, नो साइड्स, ओके, ओनली वन कर्व्ड शेप्स और द राउंडेड साइड्स आर देयर. In square, we have four sides and four corners. Means these are the corners. Like in rectangle also, we have four sides and four corners are there. Okay? But the opposite sides are equal. In square, all the sides are equal. In triangle, there we have three sides and three corners. Okay? Now, I just open the page number 125. We are going to do one topic. Okay, just I move out the page so that you can easily just check. I hope you will understand this page. Okay, मुझे लग रहा है कि आप ये देख पा रहे होंगे. ठीक है, इसके अंदर टेक सम टूथपिक्स. हमारे पास टूथपिक नहीं है तो मैंने एक मैचस्टिक ली है. तो इसमें हमें वेरियस शेप्स बनानी है और हमें चेक करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टूथपिक और द मैचस्टिक्स आर यूज इन दैट शेप. ओके, आई हैव लिटिल बिट मैचस्टिक्स आर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक द स्क्वायर. देयर इज वन टूथपिक, टू, थ्री. बिकॉज द स्क्वायर हैज ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो आई एम यूजिंग these. It is a 4. In square I am using the 4 matchstick. Okay, for rectangle what I have to do? For rectangle I am just using like this, because you know that the shapes are little bit different from the square. Square se thoda sa different hai. Kaise different hai wo aapko pata hai ki aapki opposite sides are equal hoti hain. बाकी आपकी लेंथ एंड ब्रेथ का साइज डिफरेंट होता है. इट इज अ रेक्टेंगल. ये एक रेक्टेंगल हमारा बन गया. ठीक है, तो हमने क्या देखा, स्क्वायर के अंदर हमारे पास कितनी मैचस्टिक्स यूज हुई, 4. इन रेक्टेंगल हमारी कितनी यूज हुई, ऊपर 2 थी, नीचे 2 थी और इधर 2. 2 एंड 2, 4, 5, 6. 6 हमने रेक्टेंगल में यूज की, 4 हमने स्क्वायर में. अब हम ट्रायंगल की शेप्स में चेक करेंगे. ट्रायंगल में आप इस टाइप से यूज कर सकते हैं, लाइक दिस टाइप. 3 मैचस्टिक्स आर यूजिंग इन द ट्रायंगल. ओके, इन सर्कल बिकॉज इट इज अ कर्व सरफेस, सो वी आर अनेबल टू जस्ट मेक द शेप ऑफ सर्कल. ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी अच्छी तरह से, ताकि आप देख सकें. आप एक और बार यहाँ पे आप ट्राई, आपको यहाँ पे ड्राइंग करनी है. ये जो आपके पास जो स्पेस है इसमें आपको ड्राइंग करनी है. यहाँ पे मैं आपको एक बार तीनों शेप्स एक बार बना के दिखा देती हूँ, ताकि आप इजीली उसको जज कर पाए. ये देखिए, ये कौन सी शेप बनी हमारी, स्क्वायर. ओके, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा. ये हम बना रहे हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लाइक दिस. आई होप कि आपने कल की वीडियो अच्छी तरह से देखी होगी, जिसमें कि आपको पूरे कॉर्नर साइड्स वगैरह मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है. ओके, नाउ ये हमारे पास 2 शेप्स आ गई हैं, 3 शेप्स हमारी बन गई है. सर्कल नहीं बन पाएगा. ठीक है, तो हमने क्या देखा, ट्रायंगल की कितनी साइड्स थी, 1, 2 एंड 3, एंड कॉर्नर 1, 2 एंड 3. 3 corners. What about the square? We have a 4 sides, 1, 2, 3 and 4. And how many corners? 1, 2, 3 and 4. And what about the rectangle? 1 side, 2 side, 3 side and 4 side. And corners? 1, 2, 3, 4. अब हम matchsticks भी एक बार verify कर लेते हैं. सबसे पहले हम square check करेंगे. 1, 2, 3, 4. हमारे पास 4 मैचस्टिक्स यूज हुई रेक्टेंगल में. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ट्रायंगल में. 1, 2, 3.
ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छी तरह से। ये जो नीचे आपको स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल पे एक पिज़्ज़ा बनाया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे पेज नंबर 125 और 126 दोनों के अंदर ये आपका बना हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको यही चीज़ करनी है कि जैसे कि ये एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, सर्कल का एक डायग्राम फोटो पिक्चर बनाई हुई है, वैसे ही यहाँ पे आप एक स्क्वायर बना सकते हैं और एक डाइस बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको ये वीडियो डाइस की शेप बताई हुई थी हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 126, इसके अंदर भी यहाँ पे जो ऊपर स्पेस है, ऊपर वाले स्पेस में सेम आप सर्कल एंड रेक्टेंगल बनाएंगे और उनकी भी एक चीज़ ट्रायंगल से आप बना सकते हैं। ट्रायंगल की कौन सी चीज़ें होती हैं, आप जैसे मैडेंगल खाते हैं उनकी शेप भी ट्रायंगल होती है ना, और वैसे ही रेक्टेंगल की कौन सी शेप होती है, आप बिस्किट बना सकते हैं, एक रेक्टेंगल शेप बनानी है साथ में एक बिस्किट बनाना है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग शेप्स टू देयर करेक्ट नेम्स, ओके, यूजिंग डिफरेंट कलर्स पेंसिल फॉर ईच शेप। हर शेप के लिए आपको डिफरेंट पेंसिल यूज़ करनी है, ओके। जैसे कि अगर आपके पास रेड पेंसिल है तो रेड पेंसिल से सारे सर्कल्स को अटैच करना है, ओके। उसके बाद ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में आपको ब्लू कलर ले सकते हैं, आप ब्लू कलर से पूरे ट्रायंगल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। पिंक कलर लेके रेक्टेंगल्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्वायर के लिए आप ऑरेंज कलर ले सकते हैं या ग्रीन ले सकते हैं, जो आप कलर्स लेना चाहें वो आप लेके उनको सिर्फ सेम एक कलर, अगर मैं ये पेंसिल ले लूं तो मुझे पेंसिल से सारे सर्कल्स को अटैच करना है, लेकिन कलर्स लेने हैं आपको, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल के लिए आप डिफरेंट शेप्स लेके उनके साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं, ओके। तो दैट मीन्स कि आपको कौन से पेजेस करने हैं, 125 और 126 पेज आपको अपनी बुक के अंदर कंप्लीट करना है, ओके। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।